हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से, और हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस के ऊपर, यानी कक्षा 10 विज्ञान। अपनी प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आपकी बुक का ये फोर्थ चैप्टर है। और अपनी पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि क्यों कार्बन के बारे में ही हम सिर्फ बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जो हमारे भूपरपटी है, यानी अर्थ की जो क्रस्ट है या फिर हमारा वायुमंडल है, उसमें कार्बन का जो प्रतिशत है, कार्बन की जो मौजूदगी है, वो काफ़ी कम है, काफ़ी काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी हम जो है कार्बन को इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं कि हम उसके बारे में पूरे एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर का नाम ही उसके आधार पर रखा हुआ है। उसके पीछे हमने फर्स्ट पॉइंट कल की क्लास में देखा था कि सहसंयोजी आबंध, कार्बन किस प्रकार के आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो ये सहसंयोजी आबंध किस प्रकार से बनते हैं, आज हम सहसंयोजी आबंध के बारे में बात करेंगे, और कुछ तत्वों के बारे में बात करेंगे, कुछ अणुओं के बारे में बात करेंगे जो सहसंयोजी आबंध द्वारा बनते हैं। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन और हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए। प्रीवियस क्लास में हम लोग जिस पॉइंट के ऊपर आकर रुके थे वो था सहसंयोजी आबंध, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध में हमने ये देखा था कि अगर किसी जो तत्व है उसके परमाणु को अपना बाह्य कोष पूरा करने के लिए उसे किसी दूसरे तत्व के साथ साझेदारी करनी होगी, उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ना। हमने कार्बन के लिए देखा था कि कार्बन की जो बाह्य कोष है, जो संयोजकता कोष जिसको हम कह रहे हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को ये या क्या कर सकता है, या तो ये त्याग कर सकता है या फिर ये इनको ग्रहण कर सकता है, ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो C4- ऋणायन बना देगा, और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो C4+ आयन बना देगा, धनायन बना देगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमने देखा कि जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सी नहीं होती है, क्योंकि अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है तो उसके लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं तो उसके लिए नाभिक के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो 6 नाभिक वाला इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर सके। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन इस बात का निकल के आता है कि ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों की जो है साझेदारी कर लेता है अन्य तत्वों के साथ, और इस समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, तो सहसंयोजी आबंध में क्या होता है, इस प्रकार जो आबंध बनता है उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध में क्या होता है, सहसंयोजी आबंध में हमें देखेंगे कि जब कोई तत्व सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसका मतलब वो क्या करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में कल क्लास में बताया था आपको, पिछली क्लास में, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बनने वाला आबंध होता है वो सहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है, अब कार्बन के साथ जो अन्य तत्व का परमाणु इसमें भागीदार करेगा, दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही अपने जो उत्कृष्ट गैस का जो विन्यास है, हमने क्या बात करी थी, हमने कहा था कि जो भी तत्व है या परमाणु है, ठीक है, उनको किसके जैसा बनना है, उनको उत्कृष्ट गैसों के जैसा बनना है, उनको कैसे बनना है, उत्कृष्ट गैसों के जैसा। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये सारी उत्कृष्ट गैसें होती है। लास्ट की जो गैसें हैं, चलो आर्गन तक हम ले लेते हैं, तो इनका जो परमाणु विन्यास होता है, इसका होता है 2, इसका होता है 2.8, इसका होता है 2.8.8। तो आप देख रहे हैं जो बाह्य कोष जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ मुझे दिख रहा है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते तो हीलियम का पहला कोष पूर्ण भरा हुआ है,
नियॉन के दूसरे कोश में देखो 8 इलेक्ट्रॉन एकदम आ सकते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन फुल भरे हुए। आर्गन के भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आते हैं तो बाह्य कोश में अष्टक पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि ये जो हमारे पास ये जो तत्व मुझे दिख रहे हैं, ये इनके अष्टक जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इनके संयोजकता कोश पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। मतलब कि ये अपने आप में स्टेबल हैं। उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें, अक्रिय गैसें, ये सारे नाम हम इनको देते हैं। तो अन्य जो भी तत्व हैं, चाहे वो जो भी तत्व हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम इनके जैसा बनना होता है। तो कार्बन है तो कार्बन का काम भी ऐसे ही है। अब कार्बन की जो मैंने आपको बताया था परमाणु इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास बताया था वो 2.4 बताया था। क्यों? क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना, तो 2.4। अब ये 2.4 में से अगर 4 हटा लेगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, तो किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम के जैसा। और ये इसमें 4 ऐड कर देगा तो 2.8 बन जाएगा, किसके जैसा बन जाएगा, नियोन के जैसा, है ना। तो इसको यही दो काम ये कर सकते हैं, लेकिन हमने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या एक्सेप्ट करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो ये क्या कर लेगा, सहसंयोजी आबंध बना करके ऐसा बन जाएगा। तो सहसंयोजी आबंध किस प्रकार से बनते हैं, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं, जरा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डायग्राम्स है, कुछ हम देख रहे हैं कि साझेदारी द्वारा किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये रहा हाइड्रोजन का परमाणु और ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन 1, हमने ऐसे क्रॉस से दिखा रखा है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु ये रहा और एक हाइड्रोजन का परमाणु ये रहा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। अभी क्या करते हैं, इनको कैसा बनना है, इनको कैसा बनना है, इनको बनना है किसके जैसा बनना होगा, बताओ। मैंने आपको बताया था किसके जैसे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हीलियम होता है 2, नियॉन होता है 2.8 एंड आर्गन होता है 2.8.8। तो ये किसके जैसा बन सकते हैं, ये हीलियम के जैसा बन सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेते हैं। अब इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन इनके अपने ही हैं, बट इन्होंने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। इन्होंने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो दोनों के जो एक एक इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए और हीलियम 2 के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने बना लिया। ठीक है, जैसा ये है तो इसको हम क्या देखते हैं, ये जैसा ये है। अब इसको हम क्या देखते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो एक बॉन्ड इसमें बना देते हैं, इसको हम एकल बंध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं। ठीक हो गया, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो वहां पर कौन सा बंध बनेगा, एकल बंध। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन में देखेंगे अगर हम, ये रहा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में देखिए आप कि ऑक्सीजन में हमारे पास, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। 8 मतलब कैसे बनाया जाएगा इसको, 2.6। अब ये किसके जैसा बन सकता है, ये बन सकता है नियोन के जैसा। नियोन क्या होता है, 2.8, है ना, नियोन होता है 2.8। तो ये 6 को 8 बनाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 6 को 8 बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो क्या करता है ऑक्सीजन, देखो इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन दिख गए, और ऐसे ही इधर वाले ऑक्सीजन में भी, के परमाणु में भी 6 इलेक्ट्रॉन मुझे देखने को मिल रहे हैं, हमने ड्रॉ कर दिए। इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रख लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में डाल देगा। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास, ये वाला ऑक्सीजन अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रख लेगा और 2 साझेदारी में डाल देगा। 2 के साथ इसकी साझेदारी होगी तो इसके 8 हो गए, देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसकी साझेदारी होगी तो इसके भी 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का परमाणु विन्यास जो हो गया वो हो गया 2.8 प्रकार का। ठीक है, और कितने, दोनों ने अपने आप में ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी। अब बात आता है कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी, तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ गया, ओ डबल बॉन्ड ओ, मतलब कि दोहरा बंध आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। क्यों? क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ पर हुई थी। बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आया होगा, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जहां पर हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे, जहां पर हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे। तो ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आप देखिए कि हमारे पास नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2.5, 2.5, है ना, तो 7 होता है। ठीक, तो संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे आप, 1, 2,
चार पांच इलेक्ट्रॉन बना दिए, इधर भी हमने पांच इलेक्ट्रॉन बना दिए, एक नाइट्रोजन का परमाणु यह है, एक की है। अब इनको कितने कितने इलेक्ट्रॉन की, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, तो ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन के साथ अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ साझेदारी कर लेते हैं। तो ये वाला नाइट्रोजन अपने तीन इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेता है और ये वाला अपने तीन साझेदारी कर लेता है। तो इसके पास कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसके पास देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि साझेदारी द्वारा दोनों ने अपने ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ना किसी को डोनेट करना पड़ा, ना किसी को त्याग करना पड़ा, ना किसी को ग्रहण करना पड़ा, बस दोनों ने साझेदारी कर ली। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तीन, तो एक दो तीन, इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं त्रिआबंध। क्या बोलते हैं, त्रिआबंध। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि साझेदारी द्वारा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। और जो ये आबंध बना, जो ये आबंध बना, इस आबंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। इस आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। तो हेडिंग डालेंगे सहसंयोजी आबंध के बारे में बात कर रहे हैं, सहसंयोजी आबंध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाला, और इसमें एक पॉइंट भी लिख लीजिए कि दो परमाणुओं के बीच, इलेक्ट्रॉनों की एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध। तो ये तो हमने देखा हाइड्रोजन का उदाहरण, हमने देखा नाइट्रोजन का उदाहरण, हमने देखा था इसमें ऑक्सीजन का उदाहरण, ठीक है। अभी तक कार्बन की तो बात ही नहीं हुई, चैप्टर में तो हम कार्बन की बात कर रहे थे, तो अब हम कार्बन की भी बात करते हैं। देखो ये रहा कार्बन का एक यौगिक, ये है कार्बन का एक यौगिक। अब जरा ध्यान से इसको समझते हैं कि ये बना किस प्रकार से। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6, 6 को हम किस प्रकार से देखते हैं, 2, 4, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसको 1 ही लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, तो चार हाइड्रोजन है। देखो एक हाइड्रोजन को मैं किस प्रकार निरूपित कर सकता हूँ, देखो ऐसे, ठीक है। और कार्बन के पास है चार इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूँ। तो कार्बन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बाह्य कोष को 8 बनाने के लिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखो क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेते हैं, इसके दो हो गए, कार्बन का कितना हुआ, कार्बन के 5 हुए। फिर एक हाइड्रोजन यहां पर साझेदारी कर लेता है, इस वाले हाइड्रोजन के भी दो हो गए लेकिन कार्बन के 6 हुए। एक हाइड्रोजन यहां पर साझेदारी कर लेता है, इसके कितने हुए, हाइड्रोजन के 2 हो गए लेकिन कार्बन के 7 हुए। और एक हाइड्रोजन यहाँ पर साझेदारी कर लेते हैं, कार्बन के कितने हो गए, 8 हो गए, और इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। तो सभी हाइड्रोजन की संयोजकता भी पूरी हो गई है ना, और इस प्रकार से कार्बन की जो संयोजकता कोष था वो भी पूर्ण रूप से भर गया। तो ये देखो यहाँ पर फिगर में आपको एग्जैक्टली एक फिगर, ये कंडीशन शो हो रही होगी। इसको हम सी, देखो ऐसे बोल सकते हैं, सी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी, तो सिंगल आबंध, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी एकल आबंध, यहाँ पर भी एकल आबंध, और इसको हम 4H है ना, तो CH4 भी बोलते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका जो नाम है, इसको हम नाम देते हैं मेथेन। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको हम नाम देते हैं मेथेन, ठीक है। तो मेथेन किस प्रकार से बनता है, मेथेन इस प्रकार से बनता है। और मेथेन का जो सूत्र होता है क्या होता है, CH4 होता है। कितने कार्बन होता है, एक कार्बन होता है। हाइड्रोजन कितने होते हैं, चार हाइड्रोजन होते हैं। तो ये हम मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं इसे। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ये जो डॉट डॉट वाले, जो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करें हमने, क्या रिप्रेजेंट करें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। ये क्रॉस से जो रिप्रेजेंट करें किसके करें, कार्बन के इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, तो इसको हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि संयोजक सह संयोजक आबंध बनाने की प्रवृत्ति को देखेंगे, किस प्रकार से बनता है, क्या बनता है, एटसेट्रा। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करनी है, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपर रूप। अपर रूप, अपर रूप मतलब होता है एलोटोप। अपर रूप का क्या मतलब होता है? एलोटोप। अपर रूप को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं बच्चों? अपर रूप की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से देते हैं कि सपोज आपके पास कोई एक पदार्थ है, कोई एक पदार्थ है, और वो पदार्थ दो रूपों में विद्यमान है, वो पदार्थ दो रूपों में विद्यमान है, लेकिन दोनों ही रूपों में उसके जो रासायनिक गुण तो समान है ना, मतलब जिस प्रकार के उसकी फॉर्मेशन है वो तो दोनों में समान है, फॉर्मेशन भी नहीं कह सकते, मतलब जिस घटक से वो बना है वो दोनों में समान है, लेकिन उसके जो भौतिक गुण है दिखने में दोनों अलग अलग है। आप बात समझ रहे हो? दिखने में दोनों दोनों क्या है? दिखने में दोनों दोनों अलग हैं। ठीक, एलोट्रोप। देखो कार्ब अपर रूप का क्या मतलब होता है? अपर रूप का मतलब होता है, पहले लिखो इसको, अपर रूप का मतलब होता है एक तत्व का, एक तत्व का अनेक अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ, भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाना, एक तत्व का अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाना अपर रूप कहलाता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं कार्बन को, यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन को, तो कार्बन के अपर रूप की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन जो है वो दो रूपों में मेनली हम लोग बात करते हैं जिसकी, वो है हीरा एवं ग्रेफाइट। अब जरा ध्यान से समझो इसे, हीरा दिखने में कैसा दिखेगा आपको? चमकीला, शाइनिंग। लेकिन ग्रेफाइट लुक्स डल, ठीक है, इसमें चमक नहीं होती। किसमें? ग्रेफाइट में। जबकि दोनों के दोनों की जो संरचना है वो कार्बन से मिलकर बनी हुई है, दोनों के दोनों की संरचना किससे मिलकर बनी हुई है? कार्बन से मिलकर बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन के जो, कार्बन परमाणु के रूप में दोनों में जो विद्यमान है वो कार्बन ही है, दोनों के अंदर क्या है? कार्बन प्रेजेंट है परमाणु के रूप में, लेकिन दोनों के जो भौतिक गुण है उसमें जो है हमको अलग 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 परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, दोनों के भौतिक गुण मुझे भिन्न भिन्न रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसका जो कारण है, इसका जो मेन कारण है वो है आबंधन का तरीका, आबंधन का तरीका। देखो क्या होगा कि कार्बन तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन के बीच जो आबंध बना हुआ है वो किस प्रकार का बना हुआ है, उसके आधार पर जो अलग अलग तत्व, अलग अलग पदार्थ है उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो प्रकृति है वो डिफरेंट हो रही है। ठीक है, तो हीरे की अगर बात करें तो हीरे में त्रिआयामी संरचना बनती है, यानी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, जबकि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में हम देखते हैं हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय हमको व्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो होना क्या है, दोनों में ही कार्बन की संयोजकता पूर्ण होगी, बट यह है कि एक में वो लेयर की फॉर्म में, ग्रेफाइट में कार्बन जो है वो तल के रूप में होता है, लेयर की फॉर्म में, तल के रूप में, जैसे एक तल ये हो गया,
फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में ये एक कार्बन दूसरे कार्बन से परस्पर बंधा हुआ होता है, ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से परस्पर बंधा हुआ होता है। तो ये होगा इसकी त्रिआयामी संरचना, और इसमें होगी तलीय संरचना, इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। कितने कोणीय, षटकोणीय, यानी हेक्सागोनल, ठीक हो गया, हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक हो गया। हीरे को हम देखते हैं, हीरा कहाँ यूज होता है, हीरा हम देखते हैं, हीरा कहाँ पे यूज होता है, तो हीरा जो हमारे जो ज्वेलरीज हैं, मेनली ज्वेलरीज में हम लोग हीरे को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा हीरा जो है कटिंग में भी यूज होता है, हीरे को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक मशीन के तौर पर भी हम इसको यूज करते हैं। मेनली इसे हम अंगूठी पहनते हैं, जो हमारे ज्वेलरीज होती हैं, जो गले का हार होता है, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। ग्रेफाइट को हमने कहाँ देखा है, ग्रेफाइट को हमने पेंसिल में देखा है, ग्रेफाइट को हमने किस में देखा है, अपनी पेंसिल में, जो काले कलर का, जो काले कलर का जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का होता है। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आज जो बातें आपको बताई गई वो इंटरेस्टिंग लगी होंगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपको आज की क्लास पढ़ के आनंद आया होगा। अगली क्लास में हम लोग आज की बातों को करेंगे कंटिन्यू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।